ये देखिए क्या है ये, पहचाना आपने? मैं इसे और क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहचाना क्या है ये? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये है चना दाल पराठा। जी हाँ, चने का दाल का ये पराठा बना हुआ है और इसे मेरी भाभी माँ ने बनाया हुआ है, और प्रयागराज में इसे कहते हैं दल भरी पराठा। जी हाँ, और भी भाई राज्यों और शहरों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हमारे प्रयागराज में इसे दलभरी कहते हैं, और एक्चुअल जो है ये होता है चने के दाल का पराठा। ये देखिए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको डिटेल में, पहले सब बता दूँ क्या क्या है। ये है बढ़िया आलू टमाटर की स्पाइसी यानी मसालेदार सब्जी। इसकी ग्रेवी वगैरह देखिए, ये टमाटर भी पड़ा हुआ है बढ़िया, देख सकते हैं। ये रहा बढ़िया आलू, पूरा मसाले से एकदम ग्रेवी लबालब है, फर्स्ट क्लास, आप लोग देख ही रहे हैं। ए और ये रही बढ़िया, क्या है पहचानिए? जब तक बताएंगे नहीं आप लोग पहचान नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है ए ड्राई मिल्क सेवई, सूखी सेवई, जो कि दूध को सुखा करके बढ़िया इसमें कायदे से भून 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 के भून करके इसको सुखाया गया। देखिए थोड़ा लाल पड़ गया ये ना, हल्का सा, क्योंकि इसको इस तरह बनाया गया है, थोड़ा गाढ़ा करके बढ़िया सा, इसे तो हम कह सकते हैं ड्राई मिल्क सेवई। तो ये हो गया, और ये रहा बढ़िया वाइट राइस, चावल सब्जी खाने का आनंद होगा, मज़ा आता है खाने में। अब मैं आपको पराठे का अंदर बकायदा तोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखिए, ऐसे लिया मैंने, ये तोड़ा, ये बकायदा 20 से 2 कर देता हूँ मैं इत्मीनान से। चलिए ये तोड़ा, देखिए देखिए दाल जो है इसमें पूरी भरी हुई चने की, ये देखिए गिर भी रही है इसमें बढ़िया से। ये और भी मसाले वगैरह इसमें डाले जाते हैं, तब जा कर के ये बढ़िया परफेक्ट बनता है। प्रयागराज के नाम से दल भरी पराठा, चने का दाल का पराठा, बढ़िया से लाल करा गया, भुना गया है। अब इसे थोड़ा तोड़ते हैं ये। आ हा हा, जय माँ अन्नपूर्णा। पहला बाइट ये स्पाइसी आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ। ये टमाटर लिया, थोड़ा आलू लिया, ये लिया, और वाह, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, ग्रेवी भी जोरदार, सब्जी भी जोरदार है पूरी। अब इससे भी टेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये बढ़िया ड्राई सेवई, ये वाह, अब दूध में बनी है तो दूध का स्वाद तो आएगा ही, बढ़िया ना। आह दोस्तों, खाते खाते मैं जैसा हमेशा की तरीके रिक्वेस्ट करता आया हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि आपका यही सहयोग हम क्रिएटर लोगों का करियर बना सकता है और बनाता ही है दोस्तों। बॉलीवुड की फिल्में हो या यूट्यूब हो, कोई भी हो, सब व्यू पे टिका होता है। तो दोस्तों जब आप लोग देखते हैं, आपका ढेरों प्यार मिलता है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, और यदि इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। दोस्तों इस सहयोग की आपसे मुझे आवश्यकता है, प्लीज़ ये सहयोग करें। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, यदि आपका कोई मित्र बढ़िया भाई चने दाल का पराठा का शौकीन है, दल भरी पराठा का, तो उसे टैग भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, मैं कंटिन्यू शुरू करता हूँ, और एक रेसे रेसे में जो इसका भाई पराठे का स्वाद है उसके आनंद को फील करता हूँ, और दोस्तों जो लोग खाते आए हैं उनको इनका स्वाद ज़रूर मुंह में याद आएगा। वाह, दोस्तों मेरे आपको भाई मेरी वीडियो में आपको सभी तरीके खाने की वैरायटी देखने को मिलेगी। मैं बार बार कहता हूँ, देसी खाना,
सात्विक खाना, राजसी खाना, तामसिक खाना, जो भी होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये तो है ही, फास्ट फूड वगैरह, साउथ इंडियन डिश होती है बाकी। और जो हम लोग रोज़ खाते हैं उस खाने में भाई, रोज डेली कढ़ी चावल, दाल चावल, पालक आलू की सब्ज़ी, सोवा आलू की सब्ज़ी, कभी कढ़ी, कभी निमोना, कभी जीरा आलू। तो दोस्तों जल्दी लोग नॉर्मल खाने को नहीं दिखाते हैं, लेकिन मैं वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर खाने का एक अपना स्वाद होता है और उसका एक पारंपरिक, और ये सब हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है सभी भोजन, तो इसका आनंद जारी रखते हैं। ले लिया, वाह दोस्तों, दल भरी के साथ जो है, चने का दाल का पराठा जो होता है, इसके साथ भाई कटहली की सब्ज़ी होती है, कटहल की भी होती है रसेदार ग्रेवी वाली, और मीठे में खीर, सेवई, ये दोनों में से एक मीठा रहता है, तो दलभरी का आनंद आ जाता है। दोनों में से एक होना चाहिए, खीर या सेवई, वो भी दूध की बनी हुई, इसका कॉम्बिनेशन ही है ये। दोस्तों मैं हर खाने का आनंद लेता हूँ, मेरे लिए कोई खाना किसी खाने से बैर नहीं है, चाहे जो भी हो, करेला, नेनुआ, लौकी, कुछ भी, जो भी हो, टिंडा, पुल्ला, मैं जो जो खाता जाऊँगा सब दिखाऊँगा, हर खाने का आनंद लीजिए। थोड़ा बहुत दलभरी पराठा का जो दाल ग्रेवी में गिर जाता है, तो उससे ग्रेवी में भी और अच्छा टेस्ट आ जाता है। हैवी बना भी है, भाई वाह, टमाटर सब बढ़िया डाला गया है, मज़ा आ रहा है। वाह, का भी एक अलग आनंद है। दोस्तों एक बात बताना भूल गया, एक बात बताना मैं भूल गया, हमारे यहाँ जो है एक त्यौहार पड़ता है, अभी यही पड़ता, गर्मी पड़ता है, जब 10 दिन बहुत गर्मी पड़ती है उसे 10 दफ़ा बोलते हैं, तो वही जब ख़त्म होता है तो हमारे यहाँ त्यौहार पड़ता है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं? उस दिन माँ गंगा जी का जो है धरती पे अवतरण हुआ था, भगीरथी जी तपस्या करके उनको धरती लोक में ले आए थे अपने पूर्वजों को तारने के लिए। तो उस दिन गंगा दशहरा के दिन
मैक्सिमम हमारे यहाँ पे भाई जैसे मैं खाता आया हूँ तो उस दिन ये दल भरी पराठा और बढ़िया ग्रेवी वाली सब्जी होती, चाहे वो आलू में हो चाहे वो कटहली में हो कटहल में हो, और उसके साथ खीर या सेवई रहती है। लेकिन अगर थोड़ा सा चूक होती मतलब बढ़िया रहता है तो दशहरी आम, दशहरी आम के साथ इसे खाएंगे, बड़ा मज़ा आता है। दशहरी आम का सीज़न भी रहता है उसमें, बेहतरीन मज़ा आता है, प्लेट पे सस्ता उस समय। तो एक दशहरी आम का भी कॉम्बिनेशन था जिस जो मुझे अचानक से याद आ गया, वो भी है। इत्मीनान से धीरे धीरे खाइए, मज़ा लीजिए लाइफ का। ये हुआ अब चावल सब्जी का आनंद टेस्ट को और बढ़ा देगा। ये देखिए बढ़िया व्हाइट राइस ये लिया इसे ऐसे, हाँ और ये रही बढ़िया स्पाइसी टमाटर आलू की सब्जी, मसालेदार बढ़िया फुल आनंद। ये आओ बेटा थोड़ा पैसा रख लो ऐसे, ये मैं बिल्कुल देसी अंदाज में ही दिखाता बनाता हूँ वीडियो दोस्तों। ये अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए चावल में ताकि बिल्कुल अच्छे से टेस्ट मालूम आए चावल में। ये आलू वगैरह सब कायदे से मिक्स कर लें बढ़िया से। वाह 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 बहुत ज़ोरदार सब्जी बनी है, मज़ा आ रहा है।
अब खाने बाद अंतिम में ये इसे समाप्त करते हैं। वाह भाई वाह, क्या दूध का बढ़िया एकदम गाढ़ा कर दिया है। बहुत टेस्टी। दोस्तों देखा आपने, चना दाल पराठा यानी कि दलभरी पराठा हमारे यहाँ का, स्पाइसी टमाटर आलू की बढ़िया सब्जी और फर्स्ट क्लास दूध को बढ़िया सा उसमें अच्छे से सेवई मिक्स करके बनाया गया। तो सेवई एकदम बहुत ही ज़ोरदार बना था, खाने में एकदम मज़ा आ गया दोस्तों। और चावल सब्जी तो भाई आनंद देता ही अंतिम में। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और अपने उन दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को टैग करें जिन्हें दलभरी पराठा और सेवई पसंद है। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे आखिरी में जो बोलता हूँ वो बोलता हूँ, ये देखिए। ए ए बिल्कुल एकदम कायदे से स्वादिष्ट है भाई।